वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैडिला हेल्थ केयर स्टॉक के बारे में। कैडिला हेल्थ केयर का जो स्टॉक है वो उसमें ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो आप नोट करके रख सकते हैं, जो कि 604.25 601.15। ये जो सपोर्ट लेवल है अच्छे सपोर्ट लेवल है कैडिला के लिए, तो नेक्स्ट वीक के लिए इसे आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और अगर इस सपोर्ट लेवल में आता है तो यहाँ पर आप इस सपोर्ट लेवल में बाइंग करने की सोच सकते हैं। यहाँ पर से हो सकता है 10-12 पॉइंट की रिवर्सल आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपने कैडिला में इस सपोर्ट लेवल को नोट करके रख लिया होगा। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जिस तरह से ये सपोर्ट लेवल इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से अगर ये सपोर्ट लेवल टूटते हैं, मीन्स अगर ब्रेक करके नीचे में क्लोजिंग देता है, तो बिल्कुल भी बाइंग को अवॉइड करना है आपको, क्योंकि इसके नीचे में बहुत बड़ी डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी है। तो 604.25, 601.15 ये लेवल सपोर्ट लेवल के तौर पर आप लिख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। और इस पॉइंट पे अगर आता है तो प्राइस को ट्रैक करें। डे बेसिस पे अगर बिलो में क्लोजिंग नहीं देता है तब बाइंग करने की सोच सकते हैं, और अगर क्लोजिंग देता है तो बाइंग को अवॉइड करें। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा। जब तक इस लेवल के ऊपर है एक रिवर्सल की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो इन लेवल्स को नोट करके रखें। और इस तरह का अलग अलग स्टॉक में हम टाइम विथ टाइम लेवल यहाँ पर शेयर करते रहते हैं, तो उसका बेनिफिट लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।